हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरू के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो बात करते हैं, 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है साउथ अफ्रीका का प्रीमियर लीग S20। तो बात करते हैं टूर्नामेंट के 20 मैच की, जो कि खेला जाएगा सनराइजर्स ईस्टर्न कैप और MI कैप टाउन के बीच में। यह मैच 27 जनवरी को ST जॉर्ज पार्क में खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 93% रहेगा और टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब आगे बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 56% जीतने का चांस है, तो ही बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 11% जीतने का चांस है। अब आगे बात करते हैं इनके एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 129 है, तो ही सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 100 है। अब अगर बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं, जहाँ पे सनराइजर ईस्टर्न कैप 3 मैच जीत के आ रहे थे, वहीं पे MI कैप टाउन 0 मैच जीत के आ रहे। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट एंड ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं पहली टीम MI कैप टाउन का शॉट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम का परफॉर्मेंस अब तक अप एंड डाउन में चल रहा है, टीम में कंसिस्टेंसी की कमी दिख रही है। टीम अब तक खेले गए 6 मैच में से 2 मैच जीती है और 4 मैच टीम हार गई है। टीम टेबल नंबर 4 पे स्टेबल है, जहाँ पे किरण पोलार्ड इस सीजन में MI कैप टाउन को लीड कर रहे हैं। टीम की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है और हर मैच में रन बना रही है, लेकिन लास्ट 2 गेम में टीम को हार मिली थी। टीम को राशि वन डुशन और रिकेल्टन से ओपनिंग में अच्छे की स्टार्ट की उम्मीद होगी। रिकेल्टन इस वक्त फॉर्म में चल रहे हैं, उन्होंने 6 मैच में 355 रन बनाए थे। डोवाल ब्रेविट जो कि आउट ऑफ फॉर्म में चल रहा है, अब उनको यहां पे रन बनाना होगा। लियाम लिविंगस्टोन जो कि मिडिल ऑर्डर को मजबूत करते हैं, टीम की बैटिंग भी डेप्थ है। यहां पे लोअर ऑर्डर में जहां पे सैम करन पोलार्ड को ज्यादा बैटिंग नहीं मिली, अब तक वो फ्लॉप चल रहे हैं। यहाँ पे पोलार्ड का भी बल्ला रन से नहीं निकल रहा है। टीम की कमजोरी उसकी बॉलिंग है, टीम के पास एक एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है। टीम को कैसिगो रवारा और थॉमस केवर से न्यू बॉल से विकेट दिला सकते हैं। कबीर ने 6 विकेट लेकर टीम के लीडिंग विकेट टेकर बन चुके हैं। जॉर्ज लिंडर जो लगातार विकेट भी ले रहे हैं, सैम करन अब तक विकेट लेने में फ्लॉप रहे हैं। न्यून तुषारा यहाँ पे अच्छी बॉलिंग करना चाहेंगे। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे किरण पोलार्ड जो कि कप्तान बन रहे हैं, रसिन वन दुर्सेन है, रियान रिकेल्टन है, कॉनर स्टर्जिनिया ने, डिवाल ब्रेविस है, कसिगो रवारा, सैम करम, लाइम लिविंग स्टोन, जॉर्ज लिंदे, नुमन तुषारा है, थॉमस कबीर है। अब बात करते हैं इनके कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहाँ पे किरण पोलार्ड है, सैम करन है, कसिगो रवारा है। अब अगर बात करते हैं दूसरी टीम सनराइजर ईस्टर्न कैप का शॉट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम ने टूर्नामेंट में अच्छा कमबैक किया और टीम ने 6 मैच में से 3 मैच जीत के आ रही और 2 मैच में उसे हार मिली। टीम पॉइंट टेबल नंबर 3 पे स्टेबल है, जहाँ पे लास्ट गेम में देखा जाए तो पिटोरिया कैपिटल से हार मिली थी। टीम के कैप्टन जहाँ पे एडन मक्राम है, ओपनिंग में बात करें तो डेविड मलम है, एडम वॉशिंगटन जो लास्ट गेम में फ्लॉप थे, मिडिल ऑर्डर में जॉर्डन हार्मन एंड मक्राम जो टीम को स्टेबल करते हैं, दोनों ही सही स्टैक पे रोटेट कर सकते हैं। फिनिशिंग में के लिए स्टार टिस्टन स्टब्स है। वही लास्ट मैच में टीम ने जबरदस्त बॉलिंग की और कैपिटल को 125 पे ऑल आउट कर दिया था। ओथिनेल बार्ट जो लास्ट मैच में बाहर थे, बॉल के साथ मार्को जेनसन सनराइजर के जो कि ट्रम्प कार्ड है, उन्होंने 3 विकेट लिए थे। डैनियल वॉरन ने भी 2 विकेट लिए थे। साइमन हार्मन जो अपने ऑफ स्पिन से अटैक करने वाले, लाइम डॉनसन जो इस वक्त इकोनॉमिक बॉलर से हो सकते हैं। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे एडम मक्राम है जो कि कप्तान है, एडम रॉशिंगटन है, जॉर्डन हार्मन, डेविड मलन है, टिस्टन स्टफ्स है, पैट्रिक क्रूगर है, लाइम डॉबसन, मार्को जेनसन, साइमन हार्मर, ओथिनेल बार्टमैन और डैनियल वॉरल है। अब बात करते हैं इनके कुछ की प्लेयर देखा जाए, जहाँ पे एडन मक्राम है, टिस्टन स्टफ्स है, मार्को जेनसन है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं चलते विनर के अकॉर्डिंग। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच भी जो सनराइजर ईस्टर्न कैप होगा, यहाँ पर MI कैप टाउन को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।